कृपा से मैं मिलिंडो एयरलाइंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्सफुल, आई एम रियली थैंक्सफुल कि मेरे साथ किसी को नहीं बैठाया, आपका भाई अकेला ही आया। एंड गाइस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर मिलिंडो एयरलाइन में आप कुछ भी लेते हो उसका आपको एक्स्ट्रा से पे करना पड़ता है। लाइक मैंने 7 अप बाय की, मुझे 6 रिंगेट की मिली, नॉर्मली ये 2 रिंगेट की मिलती है। मलेशिया से जकार्ता की फ़्लाइट टोटल 1 घंटा 20 मिनट की थी, पता भी नहीं चला किस टाइम जकार्ता भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अराइव हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि इंडोनेशिया के कैपिटल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नहीं यार, मैं इस प्लेन में नहीं आया, ये तो वैसे ही साथ पार्क हुआ था। मैं इस प्लेन में आया हूँ, हाँ ये जो सामने जिधर से लोग आ रहे हैं इस प्लेन से, आपका भाई पहले ही निकला है भाई, बाकी लोग आ रहे हैं अभी पीछे। गाइस प्लेन से उतरे हैं, उधर थोड़ा वेट किया, बस आई है, उसने बढ़ाया और यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब आगे जाना है इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन क्लियर करनी है तो उधर वाली साइड में चलते हैं। यार इमिग्रेशन की तरफ जा रहा तो देखा आगे हजूम लगा, तो हेल्थ सेफ्टी वाले खड़े थे। वो कोरोना वायरस जो आज कल हर जगह वायरल हुआ, उसका कुछ लिखना था कि आपको फीवर तो नहीं है या फ्लू तो नहीं है, भाई कुछ भी नहीं था तो दोनों में लिख दिया। फाइनली एंड सेफली इंडोनेशिया में पहुंच गया हूं। अभी मैंने ग्रैब करवाई है इधर से, ग्रैब मेरे पास पहले से थी तो ग्रैब करवाई है, ग्रैब करवा के मैं जा रहा हूं। टैक्सी से बेटर है, आपको मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जो स्कैम होता है टैक्सी में, तो उससे बेटर है ग्रैब करवा लो। काफ़ी मेरे दोस्त हैं इधर जो मुझे साथ ले जाते हैं, लेकिन मैंने किसी को डिस्टर्ब करने का नहीं, खुद ही जाओ जिधर जाना। तो अभी मैं होटल पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अराइव इन माई होटल, पहुंच गया अपने होटल में। था क्यों यार, ओके सो ये गाइस होटल है, वो किचन छोटा सा बनाया है, सोफा अलमारी, ये इसका टॉयलेट है। ऑलराइट गाइस, सो मैं इजी हो गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ थोड़ा। अच्छा मैं होटल में तो आ गया हूँ, होटल जो मैंने था ऑनलाइन बुक कराया था अगोड़ा में, और अगर ऑनलाइन बुक कराओ तो अच्छी प्राइस में मिल जाता है। देन कुछ जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मुझे भूख भी लगी थी और मैंने कुछ सामान लिया, मैं आपको बता देता हूँ कितने का आया। इंडोनेशिया की करेंसी भी थोड़ी फनी है, ये मैंने एक लिया चॉकलेट का, और ये एक मैंने फिश का लिया, ये टोटल मुझे 60,000 का आया, मैं इंडोनेशिया में पीएम में 60,000 रुपये का। देन ये कुछ लेस वगैरह ये मुझे पड़ी हैं कोई 80,000 रुपये में इंडोनेशियन पैसे से। और अच्छा मैं ग्रैब के जो फेयर आया था वो कोई आई थिंक 1,60,000, 1,60,000 रुपये ग्रैब का फेयर था। तो ऐसी इंडोनेशियन की जो करेंसी है वो बहुत लो है, हम तो पाकिस्तान में बातें करते हैं ना, इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा लो है। मलेशिया में मैंने आपको एक बात बताई थी कि करेंसी मैंने जो एक्सचेंज करवाई, लेकिन उस टाइम मैं अरीब में था, मेरी फ़्लाइट का टाइम थोड़ा था तो मैं बता नहीं सका। अच्छा सो मैंने करवाया था 3,300 रिंगिट, वो मुझे मिला है अराउंड 1,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो मैंने वो इंडोनेशियन पैसे करवाए थे वो 500 रिंगिट मैंने करवाए थे, वो मुझे कुछ मिले, मैंने खर्च भी हो गया रास्ते में, और ये मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट मिले थे कोई 17 लाख रुपया, 500 रिंगिट का पाकिस्तानी अराउंड 15-20 हज़ार रुपये का मुझे 17 लाख इंडोनेशियन मिला था। तो बेटर यही है कि इंडोनेशियन भी आप ले लें पैसे, इंडोनेशियन करेंसी भी और डॉलर लाजमी रखा करें। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना तो उसका लाभ यही है कि आप डॉलर रखें।
तो जब भी आप ट्रैवल करें ऑलमोस्ट आपके पास शो मनी में 1,000 USD होना चाहिए किसी भी कंट्री जाते हैं। तो जब आप विजिट में जाते हैं इमिग्रेशन ये पूछ भी लेती है, यार मुझसे तो नहीं पूछा लेकिन पूछ भी लेती है कि आपके पास शो मनी कितनी है, और कभी कभी देख भी लेती है। तो इतना लाजमी होना चाहिए आपके पास। थोड़ी रेस्ट करता हूँ, थक गया हूँ मैं भी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल मैं इंशाल्लाह ताला जो बाकी वीडियो है ना सारी होटल की, जिधर मैं ठहरा हूँ कितने पैसे लगे और नेक्स्ट जो मैं सिटी जाऊँगा सारा वो इंशाल्लाह ताला कल ट्राई करता हूँ, कल मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।